नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का समय ही कुछ दोस्तों ऐसा है कि बिना धन दौलत के कुछ भी संभव नहीं है। हर कोई व्यक्ति इसी के पीछे पागल है और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन के अंदर भोलेनाथ की कृपा से, महाकाल की कृपा से धन की कमी कभी भी नहीं रहे। तो दोस्तों कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे। दोस्तों देवों के देव महादेव माने जाते हैं। महादेव की कृपा जिस वक्त के ऊपर आ जाए दोस्तों, वह व्यक्ति करोड़ों के अंदर खेलने लगता है। तो दोस्तों महादेव को व्यक्ति कोई क्रोधित कर देता है तो पैसा होता हुआ भी उसके पास से चला जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन पर अपना हाथ मलता रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की कि आखिर पानी के द्वारा इस उपाय को करने से आपके जीवन के अंदर सब कुछ कैसे मिल जाता है। दोस्तों इस संसार के अंदर हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म तो करता ही करता है। कभी उसे उस कामों को करने से धन लाभ की अच्छी प्राप्ति हो जाती है जिससे उसका व्यापार अच्छा चलता है और उसे सब कुछ मिल जाता है। तो कभी कभी दोस्तों वह व्यक्ति ऐसी चीज़ों के चपेट में आ जाता है कि उसे बस अपना जीवन चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस पानी के उपाय की जिसको करने से धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। दोस्तों आप क्या करें, सोमवार के दिन बेलपत्र का एक पत्ता तोड़कर लेकर आ जाएं और दोस्तों बेलपत्र के पत्ते को आप एक गिलास पानी के अंदर डुबोकर एक रात्रि के लिए रख दें और उसे अपने रात को सोते हैं उस समय अपने सिरहाने के पास आपको रख देना है और इसे सिरहाने के पास रखते हुए आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सो जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, उनसे धन प्राप्ति की मनोकामना मांगें। ऐसा करते हुए दोस्तों आप अपनी निंद्रा को ले लें। अगले दिन सुबह उठें, उठने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप इस बेलपत्र के पत्ते को जल से बाहर निकालें और बासी मुंह ही इस बेलपत्र के पत्ते के जल का सेवन करें। और दोस्तों उस दिन ही आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा, आपका शत्रु आपसे किनारा कर लेंगे, शत्रु मित्रों के अंदर बदल जाएंगे और धन धान्य दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको हमेशा स्वास्थ्य की समस्याएं रहती है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी दोस्तों आपको अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको दो काम भी आपका स्वास्थ्य उत्तम कर देंगे। और दोस्तों स्वास्थ्य दवाई लेने के बाद भी सही नहीं हुआ है तो आप भी एकदम फिट और फाइन रहने लगेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक अचूक और रामबाण उपाय है। दोस्तों आप क्या करें कि इस उपाय को करते समय रात को सोते समय एक तांबे की गिलास लें। तांबे का गिलास लेकर बस इस उपाय को सप्ताह में दो या तीन दिन ही करना है। तांबे का गिलास लें और तांबे के गिलास के अंदर दोस्तों आप एक चुटकी हल्दी मिला दें और साथ ही साथ एक चुटकी से कम भी मिलाए तो भी चलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक तुलसी का दल, जिसे तुलसी का पत्ता कहा जाता है, वह भी आपको इसके अंदर डाल देना चाहिए। और तुलसी का पत्ता डालने के बाद रात्रि को अपने सिर से 7 बार ओसार लें और उसे रख दें। जब अगली सुबह उठे, स्नान आदि करने से पहले दोस्तों जिसे हम कहा जाए कि बिना कालजी अर्थात की कुछ भी आपने नहीं खाया है, इस जल का सप्ताह में कम से कम 3 दिन तक सेवन करें और दोस्तों आपको स्वास्थ्य के अंदर अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। महाकाल की कृपा से जो आपके दुख दारुण्य थे, बीमारी थी या शरीर के अंदर आपको एनर्जी महसूस नहीं होती थी, वह एनर्जी आपको महसूस होने लगेगी। बुरी से बुरी बीमारियाँ भी आपकी समाप्त होगी और आपको भविष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी छू तक नहीं पाती है। सुख समृद्धि मिलती है और घर परिवार के अंदर अच्छी शोहरत देखने को मिलती है। अब दोस्तों धन प्राप्ति और शोहरत और मान सम्मान के लिए भी एक उपाय को करना चाहिए। बस इस पानी को आपको पीना नहीं है बल्कि नहाते समय काम में लेना है। आप क्या करें, रात को एक कांच के गिलास के अंदर आप एक पानी के अंदर फिटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डालकर रख दें। उससे पहले अब से अपने माथे से 7 बार ओसार लें और ओसारने के बाद अपने दाईं तरफ सोते हैं उस दिशा के दाईं तरफ आपको रख देना चाहिए। और रखने के बाद दोस्तों आप बस एकमात्र उपाय करें कि अगले दिन सुबह उठें और उठते ही उस पानी को अपने हाथ में दें
और पानी को अपने हाथ के अंदर लेकर उसे अपने नहाने वाले पानी के अंदर डाल दें और उससे स्नान कर लें। दोस्तों उसके बाद समाज के अंदर आपका मान सम्मान अपने आप ही बढ़ने लगता है, किसी भी प्रकार का विघ्न देखने को नहीं मिलता है और घर परिवार के अंदर सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।